क्रिकेट की खबरों के लिए क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। विराट कोहली की कप्तानी में कैप डाउन पर इतिहास रचने उतरेगा भारत। भारत साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज, जाने क्या है पूरी खबर। भारत को करिश्माई कप्तान विराट कोहली की मौजूदगी की जरूरत है, जिससे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसकी सरजमी पर पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीतने में उसके अभियान को मजबूती मिलेगी। वहीं आज से शुरू हो रहे टेस्ट में मेजबान टीम भी दूसरा टेस्ट जीतने के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरेगी। कोहली पीठ के ऊपर हिस्से में जकड़न के कारण पिछले हफ्ते जोहान्सबर्ग में दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे, और अगर न्यूजीलैंड पर ट्रेनिंग सत्र से मिले संकेतों को देखें तो भारतीय कप्तान के तीसरे और अंतिम टेस्ट में खेलने की पूरी संभावना है। तीन मैचों की श्रृंखला भी एक एक से बराबर है। मेजबान टीम भी निश्चित तौर पर दूसरे टेस्ट में अपने प्रदर्शन से प्रेरणा लेना चाहेगी। कोहली अपना 99वां टेस्ट मैच अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के मौके पर खेलेंगे। ऐसे में बल्लेबाज कोहली चाहेंगे कि वह पिछले कुछ समय से बेहद दबाव का सामना कर रहे कप्तान कोहली के लिए इस मैच में को यादगार बनाए। दक्षिण अफ्रीका में तीन दशक में पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीतने से निश्चित तौर पर कोहली का नाम पारंपरिक रूप में देश के महानतम कप्तानों के रूप में स्थापित होगा। इसके लिए हालांकि भारत को अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो पिछले कुछ समय से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, आपके अनुसार तीसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।